नमस्कार, मैं स्वाति, एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मेट संगठन ने रखी नियमितीकरण एवं मानदेय की मांग। मुख्यालय परसवाड़ा के हृदय स्थल के श्री राम मंदिर दरबार प्रांगण में बुधवार के मध्याह्न एक आवश्यक बैठक आहूत किया गया। आयोजित बैठक में परसवाड़ा जनपद पंचायत क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों में कार्यरत मेट उपस्थित हुए। इस दौरान उपस्थित मेटों ने एक स्वर में मध्य प्रदेश के सभी मेटों को स्थायित्व प्रदान करते हुए अपनी नियमितीकरण की मांग की। उपस्थित मेट संघ के महिलाओं का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा सभी को सौगात दी जा रही है, सभी के मानदेय निर्धारित किए जा रहे हैं, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में कार्य करने वाले मेटों का नियमितीकरण कर उनके मानदेय निर्धारित किए जाने चाहिए। मेट संघ के महिलाओं का कहना था कि यदि शीघ्र ही मेटों के नियमितीकरण नहीं किया गया तो उनके द्वारा धरना प्रदर्शन के साथ ही सड़कों पर उतरकर चक्का जाम भी किया जाएगा। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस बालाघाट परसवाड़ा से उमेश बिसेन की रिपोर्ट। जी, परसवाड़ा में मेट संघ की बैठक हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम छाया ठाकरे है, ग्राम पंचायत लिंगा से हूँ, ब्लॉक परसवाड़ा। हमारी मुख्यमंत्री जी से, महोदय जी से निवेदन है कि हमारा नियमितीकरण होना चाहिए और हमारी मांगे के अनुसार मानदेय राशि निर्धारित की जाए और हमारी मांगे पूरी की जाए। ये हमारी अच्छा, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो क्या करेंगे? हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। और 2 से 3 लाख मेट भाई बहन दोनों हैं तो ये इन्हीं लोगों के साथ में हम लोग भोपाल भी जाएंगे। मैं सीताराम हरिन खेड़े जी, ग्राम पंचायत थरपड़िया से मेट हूँ जी। आज अभी मेट संघ की परसवाड़ा में बैठक हुई है, किस उद्देश्य को लेकर बैठक किया गया आपके द्वारा? आज परसवाड़ा की इस राम मंदिर प्रांगण में समस्त हमारे मेट भाई बहन लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम लोग सतत मीटिंग करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं। हम कोरोना काल में जिस प्रकार से कष्ट उठा करके काम किए, सारे गवर्नमेंट के आदेशों का पालन किए, उस समय में 204 रुपये रोजी मिलती थी और 204 रुपये भरण पोषण नहीं हो पता परिवार का और हमारी उम्र कहाँ जाते चली है। तो हम लोग चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि हम लोगों का नियमितीकरण होना चाहिए। हम लोगों का जो मानदेय है अर्धकुशल पारिश्रमिक मिलता है लेकिन वो भी नहीं मिल पाता और उसको कई दिन लटके रह जाते हैं, तो हम लोगों का आखिर जो मजदूर का रेट होता है वही रेट से हम लोग पेमेंट लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत कम है। तो हम सतत एकजुट होकर के संगठन को मजबूत करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारा जो इतने दिन तक का मेहनत है व्यर्थ ना जाए और हम लोगों को समस्त मेटों को नियमितीकरण करें। और इसी तारतम्य में हम संगठित हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम यहां एकत्रित हुए हैं और हम जाना चाह रहे हैं कि हम माननीय मोदी जी से अपनी बात रखेंगे, क्योंकि अभी उनके कार्यकाल बहुत अच्छे चले हैं तो कम से कम हम मेटों का उद्धार हो। जिस प्रकार से नगर पालिका से लेकर के जनपद, जिला पंचायत, पंचायत, पंच, उपसरपंच सभी लोगों का उनने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, तो सराहनीय कार्य देखते हुए भी हम आशा की किरण जागृत हुई है हम सभी समस्त मेटों को कि हमारे भी भाई बहन इतने बाल बच्चे वाले हैं सभी लोग, तो 204 रुपए में क्या भरण पोषण हो सकता है? इतना धूप में, कड़ी धूप में खड़े रहते हैं, मेट सारा काम कराता है, मनरेगा का मेन इकाई मेट होता है, मेट के बिना काम अधूरा है, उनकी आईटी से सारे काम होते हैं, तो जब जवाबदारी तो बहुत है लेकिन उसके हिसाब से हम लोगों को मानदेय नहीं है, इसलिए नियमितीकरण की हमारी मांग है। सर, अगर मैं आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम समस्त मध्य प्रदेश के मेट संघ आंदोलन करेंगे। ठीक है, परिचय बताएं। जी, मेरा नाम श्रीमती दुर्वंती यादव जी। मेट संघ की जो बैठक हुई है परसवाड़ा में, क्या कहना चाहेंगे? मेट संघ के मीटिंग इसलिए रखे हैं क्योंकि अति अर्जेंट है, हमारा कोई सुनाई नहीं है, नहीं अगर करते तो आज तक यहाँ तक नहीं रहते, हम तो आगे पहुँच जाते क्योंकि अभी सब का देख रहे हैं भैया, तो हम है तो सरपंच है, पंच है, उपसरपंच है, इन सब का मंथली बनने लगे और हमारा अगर वही है 365 के इससे अगर महीना का मंथली बन जाए, हमारा मानदेय बन जाए, उसी में सक्षम रहेंगे। अगर हमारा
मानदेय नहीं है तो हमारा कोई सुनाई नहीं है। हमारे सबका नाम आ रहे हैं और हमारे मेट का कहीं कोई जगह नाम नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा मंथली बने, नियमितीकरण होए और हमारे हर महीने का पेमेंट बने। अच्छा, मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? मांगे पूरे नहीं होने पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जितने जितने मध्य प्रदेश के जितने भी मेट हैं वो पूरे संगठित होकर अपना धरना पर प्रदर्शन करेंगे और आगे भोपाल तक के जाएंगे। भोपाल में ही अपना ये धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है।